ये देखिए जी कौन आ गया है और हाथों को सैनिटाइज करवा रहा है। हेलो, पीछे से भी करो। पहचान लिया होगा आप सबने, ये है सार्थक, नहीं मोहनपुरे का डॉक्टर मिस्टर सार्थक। किस टाइम आए थे भाई तुम? हम तो सुबह ही आ गए थे। सुबह ही आ गए थे। अच्छा, चलो चार बजे बहुत सवेरे चले। हाँ, हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, सुबह के जो थोड़े बहुत काम है वो निपट चुके हैं, कुछ रह गए हैं। और अभी जो है, आज मेरी छोटे वाली ननंद नीलाक्षी दीदी आ गई है और वो सीधे गई है अमित के घर पर, घर पर ही गई है। और माँ जो है वो मॉर्निंग में चली गई थी, अभी गगन आया है और मैं भी उधर ही जाऊंगी। और नाश्ता तो सबने कर लिया है, साफ सफाई हो गई है, आज बृहस्पतिवार है, कपड़े नहीं धुलेंगे। और देखिए आरुषि क्या कह रही है, क्या कह रही है आप? और आरुषि ने भी नाश्ता कर लिया है। बच्चों के लिए जो है मैंने मैगी बनाई थी, मुझे मैगी बहुत बढ़िया लगा। और इसे मैगी जो है बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इनको 15 दिन में एक बार देती हूँ कभी कभार। और गगन के साथ आया है घर से सार्थक, ये देखिए जी नहीं लगा तेरा घर है। और सबसे पहले ही अपने बड़े वाले मामा के यहाँ पर गए थे घर पर, तो चलिए अभी मैं भी चलती हूँ। खाना जो है हम लोग यहाँ पर आकर बनाएंगे, पहले चलते हैं वहाँ पर, गेस्ट आए हुए हैं, और फिर जो है नीलाक्षी दीदी शाम के टाइम यहाँ पर आ जाएगी। और देखिए मेरी दोनों नंदे जो है वो पहले नहीं आई थी, बड़े वाली 2-3 दिन पहले आई थी, जब जो है हमारी जेठानी जो है एक्सपायर हुई थी, उस टाइम पे भी हमारे यहाँ पर कोई नहीं आया था। तो एक एक दो दो करके मेहमानों की आवाजाही अब लग रही है, सब लोग सब जो हैं एक साथ नहीं आ रहे हैं। और हमने बड़ी मुश्किल से उनको रोक रखा था, लेकिन वो नहीं मान रही थी। आज तो छोटे वाली दीदी भी आ गई है, तो चलिए जी आपको भी मिलवाते हैं और हम भी चलते हैं, मिलेंगे काफ़ी दिनों बाद। जब उनकी ननंद की शादी थी तब मिले थे, तो वो बोल रही थी कई दिन से कि मैं आऊँगी, लेकिन हम लोग मना कर देते थे, फिर भी वो आ ही गई। आज बोल रही थी आपको भी, आपकी भी इतनी तबीयत खराब रही, पिताजी की भी, तो देखने के लिए नहीं आया गया। देखिए बेटी ऐसी होती है, उनसे नहीं रुका जाता है और ना ही वे अपने आप को रोक पाती है। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ घर पर और मेहमान जो है नीचे बैठे हैं, लेकिन मेरे आने से पहले पूजा ने बहुत सारी तैयारियाँ कर दी हैं। मोनिका आई हुई है मुझसे पहले, ये आ गई थी और मैं अभी आई हूँ। इधर पूजा जो है वो चावल साफ करके धो रही है, भिगो कर रख दिए बेटा इन्हें, जब तक ये भीगेंगे तब तक इसने जो है पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जो है हमने कर लिया किचन में एंट्री, हमने संभाल ली दोनों ने मोनिका ने। तो जी भिंडी बनाएंगे और दाल बनाई हुई है, मोनिका बता रही कि दाल तो बन गई और चावल बन जाएंगे और भिंडी, और बस रोटी सेक देंगे। कहीं की बनाई दाल? उड़द की। तो जी उड़द की दाल बनाई है, चलो भिंडी बनाते हैं अभी। तो देखिए अभी मैंने भिंडी बनाने की तैयारी कर दी है, इसमें जो जो सामान जैसे हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से बना रही हूँ मैं। और ये टमाटर फ्राई हो गया है, अब मैं डालूंगी इसमें प्याज, प्याज डालने के बाद मैं मसाले पकाऊंगी। और भिंडी में हम लोग प्याज जरूर ही डालते हैं, खाली भिंडी नहीं बनाते हैं। और ये बर्तन भी मुझे छोटा लग रहा, और थोड़े से टमाटर अब लाई काट के, या पहले कहा था काटने में, चलो जी नहीं मिक्स कर देंगे ना, कोई बात नहीं। फ्राई तो होने, जब ये जब प्याज फ्राई कर देते हैं फिर डालूंगी मैं इसमें मसाले, फिर डालूंगी भिंडी, हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है, हल्दी पाउडर, मुझे हल्दी कम डल लगा, ज्यादा डल है 3 चम्मच हल्दी डाल दी थी, 3 चम्मच कड़ी में हल्दी की लगी थी। सब कमें के यार, पूजा कह रही है कि चच्ची जी ये हल्दी जो है वो कम लगती है, इसीलिए मैं हल्दी। और देखिए बच्ची है, कोई नहीं आदत हो जाएगी उसे खाना बनाने की। वैसे आधा चम्मच से भी कलर तो सही आ रहा, पूजा देखिए देखिए मसाले और 10 का चढ़ गए हम 3-4 जनों को, बनाने वाले को नहीं चढ़ता, बनाने वाले को आदत है ना। ये मुझे बर्तन छोटा लग रहा अपना, बनाई
थोड़ा हाथ चलाने में दिक्कत सी होगी शुरू शुरू में, और फिर जब ये वो हो जाएगी ना। थोड़ा हाथ ऐसा पकड़ दो अभी, और बाद में मिक्स करेंगे। चेरे से चलाने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कहाँ है और देखिए माँ चेक करने के लिए आई है कि क्या क्या बनाया, और कह रही कि घेर में चली जाओ, नंदनी को ध्यान रखने वाला भी होना चाहिए कोई। मन का कोई ना कोई ले लेगा, सारे के सारे वही है। यहाँ भी नीचे कोई ना कोई बैठना आई जावे, जब कोई देख ले कि यहाँ पर कोई आ रहा तो बैठ जाओ, चलो चले जाना शाम के टाइम। खिचड़ी खाता मैंने तो सर। तोड़ गया, तोड़ लो सर, डैनी तोड़ लो यार, ये टूट गई गांठ पर, नहीं ये गांठ पर टूट जानते हैं तो ना, बीच में तोड़ लिया गया जो यही तोड़ी थी किसकी, ये भी लगा लो, लगा लो ना, ये डैनी टूट जा मालूम, ये तुमने अंदर तोड़ दी थी मतलब, ये जो कि तू अंदर टूटा है ज़्यादा लिख रहा है बहुत। ये आया है अपने भैया के साथ में, गगन गया था और उसके साथ में आया नहा के। किसने नहा लाया था, मम्मी ने? और नमस्ते, पाँ तो छूले बुआ जी के, चल मेरे बेटा तो पाँ छूले है, देख कितना बड़ा करेगी बुआ जी, माँ जी के भी छू लो, इन वाली माँ जी के भी छू लो, छूए माँ जी के पाँ, छू ले, देख माँ जी ने पाँ भी कर लिया अगे, इन वाली माँ जी के भी छू लो, माँ के भी, देख माँ के नहीं छूने का, माँ के भी छू ले बेटा, ये तो सबके छू ले, अपने ताऊ को भी आसाद है शाम को जब जावे, कितना अच्छा बच्चा। देखो जी पहले के समय में, अब के समय में कितना बदल गया, पहले के समय में खाना खाने के लिए आते थे मेहमानों के साथ में, लेकिन अब बनाना पड़ रहा, कितना फर्क आ गया पहले के और अब के टाइम में। जब ही तो याद आवे हर बात में कि पहले तो बस आके खाना खाना ही पड़ा था कि हाँ हम भी आ रहे दावत में, जब मेहमानों की दावत होती है, और अब आके बनाओ, पहले ये जिम्मेदारी संभालो, सबको खिलाओ, और बाद में सोचो कि खाने का मन है या नहीं है, अब वो टाइम आ गया सामने, बस मजबूरी है क्या करें। अब इस वाली कमी को कैसे पूरी की जाए समझ ही नहीं आता, ना होने की हो रही कमी पूरी कभी भी जीवन भर में, अब ये सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पे सौंप के चली गई। तो देखिए अभी 4:30 बजने वाले हैं और मैं घर से आ गई हूँ, मेहमान भी सब लोग यहीं पर आ गए हैं, और वहाँ पर ज़्यादा वीडियो मुझसे नहीं बनाया जाता, थोड़ा बहुत ही बच्चे ही बना देते हैं, तो सब लोग बाद में इमोशनल हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर, किसी पे अपने आप को नहीं रोका जाता है, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जाता है,
कल पूरा एक महीना हो गया था 2 तारीख को, और 2 तारीख को ही उन्होंने इस घर में कदम रखे थे और 2 तारीख में ही घर से बाहर कदम निकाला था। देखिए कैसा टाइम था उनके लिए ये, और 5 तारीख में उनका पता आ गया था। और नंदनी देख रही है क्योंकि सुबह से मम्मी इसे अभी देखने को मिली है, अभी पूरी दोपहर में हम लोग वहीं पर रहे तो बच्चे भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, भाई साहब जी को तो हम ले आए थे, वो जो है सबको देखकर जब सब इकट्ठे होते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। तो फिर हमने कहा कि आप वहीं पर चलो, बच्चों के साथ में जो है थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, बच्चे जो है किसी न किसी तरह से हंसी छुटा ही देते हैं। तो अभी मैंने आते ही मुँह धो के नंदनी को ले लिया है और माँ भी आ गई है, और नंदनी जो है वो माँ को देखकर क्या कर रही, हंस रही। ये देखो कहाँ चली गई थी आज छोड़ के, ये देखिए नंदनी को छोड़ कर कहाँ चली गई थी, क्योंकि माँ जो है अब शाम के टाइम में जाती है, दिन में नंदनी का ध्यान रखती है, और आज माँ चली गई थी दिन में ही। देखिए कहाँ है माँ, चले जाओ माँ, बब्बू आइए आइए। अरे मेरे गोलू मोलू, गोलू मोलू रे मन ने भी नहीं क्या कह ली, अरे मेरे गोलू मोलू, एकदम माँ का आया गोलू मोलू मेरा। माँ को तो वहां भी फिकर हो रही थी, कई बार फोन भी करवाया, सब सब पूछे थी, जो उन सभी गेम मैसेज आया था, नंदनी क्या कर रही, नंदनी तो सो रही आज, तो नंदनी अभी तक भी सो रही। आज नंदनी पता माँ कहाँ जाके लेटी थी, और अब बस चाय वाय बनाएंगे यहीं पर ही, और कुछ और बनाएंगे, फिर शाम के खाने की करेंगे तैयारी पूरी फैमिली के, देखते हैं क्या बनाते हैं, पूछते हैं घर वालों से दोपहर में कि खाने में तो हम लोगों ने दाल बनाई थी वहाँ पर और भिंडी बनाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का अब कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको मेरी राम राम।